हेलो दगड़ियों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये अखरोट का पेड़, ये हमारा घर है। यहाँ पर से पेड़ के पीछे नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये हमारा घर है। और अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अखरोट के बड़े बड़े पेड़ दो, ये हमारे दादी लोगों का है। ये बहुत पुराना पेड़ है, 35-40 साल लगभग हो गए होंगे इसको। जब हम छोटे थे उससे यहाँ पे पानी की खाल होती थी, तो यहाँ पे भैंस को पानी पिलाने और नहलाने के लिए लाते थे दादी लोग। यहाँ पे दादी एक और एक ही वाली, तो यहाँ पे ये नहर है, सिंचाई वाली नहर जो गांव में होती है। क्योंकि हमारे सेरा हैं, सेरा थे पहले यहाँ, अभी भी हैं लेकिन अभी कम कर रहे हैं लोग, इस बार कम हुए हैं। एक दादी लोगों ने लगाए हैं धान की खेती, और ये रोपणी लगाएंगे अब, तो अब कम कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे पानी की खार होती थी, भैंस को नहलाते थे, तो हम बहुत मस्ती किया करते थे। यहाँ पे इस नहर में पानी आता था, अभी तो सूख गई है, तो यहाँ पे नहाते थे हम जब छोटे थे। और ये देखिए होज दिखा रहा था मैं आपको, पानी की टंकी होती है, ऊपर से खुली होती है, नहर का पानी है इसमें जाता है। तो ये करीब 6 फुट तो होगी गहरी, 6-7 फुट तक है। अभी तो गंदा हो रहा है, इसमें सफाई की ज़रूरत है। ठीक, बिल्कुल ख़राब हो गया था, इस तरीके से टूट चुकी थी ये, बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, तो इसको रिपेयर किया गया है, तो अभी ठीक हो गई है। तो इसमें नहाते थे पहले, हम तो नहीं नहाते थे, हम तो छोटे थे, हम तो डूब जाते थे इसमें। तो यहाँ पे नहाते थे हम नहर में, वो बचपन की यादें बहुत याद आती हैं। तो यहाँ पे खेला करते थे। और ये अखरोट का पेड़ है, इस पर अखरोट भी लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे सो जाते थे। ये पहले थोड़ा इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, ये तो कम बना रखा है, तो यहाँ पे लेटे रहते थे हम। पेड़ की हवा आती है, अभी भी हवा चल रही है, देख ले पत्ते हिल रहे हैं। यहाँ पे आराम करते थे हम, और बहुत मजाक हंसी मजाक करते थे, खेला करते थे यहाँ पे बहुत। तो आज से 30 साल पहले की बात हो गई है। तो देखिए हवा चल रही है अभी यहाँ पे, दिन के बज रहे होंगे 2:30-2:30 बज रहे हैं, तो क्या प्यारी हवा चल रही है। आहा, यहाँ पे सो सकते हैं आप, छाया भी है। पहले सोते थे हम, लेकिन अभी तो गंदा हो रहा है। तो इस पर अखरोट दिखाता हूँ आपको, इसके अखरोट अभी कच्चे हैं, अभी तो होना स्टार्ट हुए हैं। एक दिखाता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, अभी दिख नहीं रहा है इसमें। ये देखिए दो अखरोट, ये दिख रहे होंगे आपको, पहुँच नहीं पा रहे हैं, धूप भी चमक रही है, दिख रहे हैं, सूर्य बिल्कुल इसके बीचों बीच आ रखा है अभी। यहाँ से दिख रहा है, ये दिख रहे होंगे दो छोटे छोटे, कम आ रखे हैं लेकिन आ रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक ही दिख रहा है आपको, तो ये कच्चे हैं अभी। तो ये अखरोट के पत्ते से हम दांत साफ भी करते थे, अभी भी करते हैं गांव में लोग, इससे दांत मंजन करते थे हम, साफ़ होते थे। और इस कच्चे अखरोट का हम निकाल देते थे, इसका जो रेड कलर होता है वो हाथों पे लग जाता था, ऐसे लगता था मेहंदी लगा रखी है हमने। ये मेरे को यहाँ पे, ये आपको दिखाने के लिए निकालता हूँ, ये तो निकालना नहीं चाहिए ऐसे कच्चे हैं, एक निकाल दिया मैंने, ये देखिए। दादी लोग देखेंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, तो मैंने तो एक निकाल लिया आपको दिखाने के लिए, एक कच्चा अखरोट देखिए, इसको तोड़ के दिखाता हूँ।
मैंने कच्चा भी इसलिए निकाला आपको दिखाने के लिए, नहीं तो नहीं निकालता मैं। पत्थर ढूंढना पड़ेगा मुझे, पत्थर पत्थर। एक ये भी गिरा हुआ है, सूख गया है, अपना आप झड़ा होगा ये, ऐसे सूख गया है तो सड़ जाएगा अंदर से। लेकिन ये वाला दिखा था, ये देखिए ये तोड़ के बिल्कुल ऐसा है, कच्चा है अभी बिल्कुल बहुत। तो इसको ऐसे घिसते थे हम, ये घिसते 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 इसको और तोड़ूंगा। ये देखिए बिल्कुल कच्चा था ये, इधर ये जब हाथ पे लगता था लाल लाल तो ऐसा लगता था मेहंदी लगा रखी है, बिल्कुल लाल हो जाते थे। ये देखिए ये है बिल्कुल अभी कच्चा है, तो इसको खा लेते थे हम। खा लिया मैंने, बिल्कुल कच्चा है लेकिन टेस्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए ये लाल स्टार्ट लाल होना शुरू हो गया है हाथ, ऐसा लग रहा है मेहंदी लगा दी होगी। ये देखिए धीरे धीरे कलर छोड़ना शुरू कर दिया है तो इस तरह से। तो ये बहुत लाल हो जाते थे हमारा हाथ, बहुत मज़ा आता था। जिसने भी करा हुआ है ऐसे वो याद आ जाएगी उसको अपने बचपन की। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, अभी मैं आराम करने जा रहा था नीचे दादी लोगों के यहाँ, घर में रिपेयर का काम चल रहा है तो उसको और तोड़ूंगा मैं। तो आपको दिखा दिया मैंने, देखिए लाल हो गया हाथ। तो कच्चे अखरोट इस तरह से अखरोट निकलते हैं ऐसे रगड़ के, ये लाल लाल दिख रहे आपको अखरोट के बाहर का छिलका। तो ये प्रोसेस होता था अखरोट निकालने का। ये देखिए ये दिख रहा है आपको अखरोट, ये देखिए इसी तरीके से पक जाते हैं तो जो हल्का फुल्का छिलका रहता है वो निकल जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी जा रहा हूँ मैं नीचे आराम करने के लिए थोड़ा दिन में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। ये होज देखिए आप, कभी नहाएंगे इसमें जब पानी आ जाएगा बहुत सारा, बरसात में देखते हैं, अभी तो बिल्कुल सूख चुकी है, नहर भी टूट गई है ना, पानी आ नहीं सकता है। ये देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जब रिपेयर होगी तभी आ पाएगा। तो फिर देखते हैं इसमें कि पानी भरेगा कभी तो फिर नहाने का मौका मिलेगा, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी फिर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, फ़िलहाल के धन्यवाद आपका। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये रोड के पल्ले पार नदी के पार पिंडा नदी के पार एक गांव है, वो दिख रहा है यहाँ से। बाकी मैंने कल दिखाया था आपको नदी, काफ़ी क्लोज जाके अब दिखाऊंगा आपको। तो ये केले के पेड़, बाकी यहाँ पे जंगली मुर्गी भी मिल जाएगी आपको देखने के लिए, कभी कभी दिखती हैं अभी नहीं है, दिखाऊंगा आपको फिर अगर मौका मिला तो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, इसके अंदर का निकाल के खा लूँगा अभी।